दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि बैंकिंग फ्रॉड से आप किस तरीके से बचेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बहुत ही आजकल बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहा है और आपके मोहल्ले में भी हुआ होगा किसी ना किसी के साथ, किसी फ्रेंड के साथ। और आप भी डर रहे होंगे कि मेरे भी फ़ोनपे के अंदर बहुत सारे बैंक लिंक है, बैंक के अंदर बहुत सारे बैलेंस अवेलेबल है, कहीं मेरे साथ भी ऐसा फ्रॉड ना हो जाए। डरने की कोई बात नहीं है, बस जो ही मैं ट्रिक्स बताऊंगा, इस टिप्स एंड ट्रिक्स को अच्छे से कंप्लीट फॉलो करते रहना, आपके साथ कभी भी फ्यूचर में या अभी भी प्रेजेंट में कभी भी आपके बैंकिंग के साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। जैसे कि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बहुत सारे पर्सन नेट बैंकिंग को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी नेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो नेट बैंकिंग यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है। बस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको नोटिस करना होगा। जैसे आप कोई ब्राउजर में नेट बैंकिंग को लॉगिन कर रहे हो तो फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे देखना होगा कि जो वेबसाइट है वो HTTP है या HTTPS है। अगर HTTPS है तो जेन्युइन है, आप बेहिचक उस वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हो अपने अकाउंट को किसी भी तरह का कोई भी काम करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को ऐसे प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कर रहे हो जिसका वेबसाइट में HTTP है, S नहीं है, वहाँ पे लॉ का सिंबल नहीं है, उस वेबसाइट बिल्कुल सेफ नहीं है, वहाँ पे आपके बैंकिंग के साथ फ्रॉड भी किया जा सकता है। ये हो गया पहला ट्रिक्स जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना होगा चाहे आप नेट बैंकिंग किसी ब्राउजर में यूज़ क्यों ना करें। ठीक है, ऐसा नहीं है क्रोम भी यूज़ करो तभी ऑप्शंस मिलेगा, ये किसी ब्राउजर के अंदर ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ आपको नोटिस करना होगा HTTP है या HTTPS है। अगर HTTPS है तो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर वेबसाइट है, लेकिन HTTP है तो वो सेफ नहीं है, इन फ्यूचर आपके बैंकिंग के साथ कुछ फ्रॉड भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि फ्रेंड्स, काफ़ी लोग के नंबर पर डिफरेंट से जगह से कॉल आता है और वो लोग बोलते हैं कि मैं आपके ब्रांच से स्टाफ बोल रहा हूँ, बल्कि ब्रांच के कर्मचारी बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट कुछ दिनों में क्लोज हो जाएगा, अपने अकाउंट को मेंटेन नहीं किया है। तो इसके लिए आपको एक, अगर आप अकाउंट को चालू करना चाहते हैं या उसको आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको एक OTP गया होगा नंबर पर, उस OTP को सेंड कीजिए या अपना डेबिट कार्ड का डिटेल्स को बताइए। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोग इस जाल में फंस जाते हैं क्योंकि वो इस तरीके से बात करेंगे कि आपको बिलीव हो जाएगा कि हाँ रियल में बैंक के कर्मचारी ही हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का कोई भी कॉल आए और आपसे अपना पर्सनल डिटेल्स पूछा जाए, जैसे डेबिट कार्ड नंबर, CV नंबर, एक्सपायरी डेट, तो आपको कभी भी भूल से नहीं देना है क्योंकि फ्रेंड्स, हमेशा आपको एक नंबर से अलर्ट किया जाता है बैंक की तरफ से कि कोई बैंक आपका पर्सनल डिटेल्स को नहीं पूछ सकती। क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, बैंक के साथ किसी को पूछने का हक नहीं है, आपको ये चीज़ माइंड हमेशा सेट कर लेना चाहिए। चाहे कोई भी हो, अगर आपको बताना ही है तो आप डायरेक्ट ब्रांच को विजिट कीजिए, वहाँ आप इस प्रॉब्लम को बताइए जो ये प्रॉब्लम आपके अकाउंट के साथ हो रही है। नहीं तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि अपना पूरा डिटेल्स को शेयर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको शेयर करना ही है तो आप कस्टमर केयर पर कॉल जब करते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट नंबर के सिवा और कुछ देना ही नहीं है, और ऐसे लोग आपसे मांगेंगे भी नहीं। लेकिन अगर जो फ्रॉड कॉल होगा, जो फ्रॉड पर्सन होगा, जो हैकर होगा, वो आपका अकाउंट के साथ साथ सारे डिटेल्स को भी एक्सेस करने की कोशिश करेगा और आप उस जाल में फंस जाओगे तो आपका अकाउंट के साथ फ्रॉड भी हो जाएगा। और दूसरी बात फ्रेंड्स ये कि आप मेरे इस यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, यहाँ कुछ एप्लीकेशन है जो मैं आपको नोटिस किया हूँ, टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट। ये एप्लीकेशन को अपने डिवाइस में किसी भी कीमत पर इंस्टॉल नहीं करना है। जिस मोबाइल के अंदर आपका फोन पे चल रहा हो, गूगल पे चल रहा हो, पेटीएम चल रहा हो या कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन है, उस डिवाइस के अंदर इस एप्लीकेशन को किसी भी कीमत पर इंस्टॉल मत करना, क्योंकि ये ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपके पूरे डिवाइस को एक्सेस देता है किसी भी अदर डिवाइस में। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी ये भी होता है कि जो कॉल आते हैं वो बोलते हैं कि मैं ये यहाँ से बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट कोई ऑर्डर किया, ठीक है, वो ऑर्डर आपका कैंसिल हो गया, रिफंड नहीं मिला, तो इस कंडीशन में भी वो फोन आ सकता है। वो अचानक बोलते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वो अचानक बोलते हैं कि आपको रिफंड नहीं मिला है मतलब फ्लिपकार्ट पे, तो आप बोलते हैं हाँ नहीं मिला है, तो इसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वो आप बोलेंगे अलाउ करेंगे, सारा आपका डिवाइस का जो एक्सेस है उसके डिवाइस में चल जाता है। अब वो आपके नंबर को लॉगिन करेंगे, फोन पे में OTP आएगा, वहाँ पर OTP उनको इजीली देखने को मिल जाएगा अपने डिवाइस के अंदर। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड मत करना। और जो दूसरा एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, एनी डेस्क रिमोट डेस्कटॉप, इसको भी मतलब अपने डिवाइस में इंस्टॉल मत करना। ये दो एप्लीकेशन अपने माइंड में सेट कर लीजिए हमेशा हमेशा के लिए, किसी भी कीमत पर ये दोनों डिवाइस को इंस्टॉल नहीं करना है अपने फ़ोन के अंदर। ठीक है, नहीं तो आपका फ़ोन, पूरे के पूरे फ़ोन आपका एक्सेस करेगा कोई भी थर्ड पर्सन। एक नेक्स्ट ट्रिक्स ये भी फ्रेंड्स, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो टेलीग्राम आपने चैटिंग करते हो तो फ्रेंड्स अभी हैकर क्या कर रहे हैं, उनको बस पता चल जा रहा है कि ये नंबर से टेलीग्राम अकाउंट है या इस नंबर से फोन पे है, गूगल पे है, तो उस नंबर पर फाइंड कर रहे हैं आपको टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम अच्छे समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, टेलीग्राम पर फाइंड कर रहे हैं, टेलीग्राम पर आपसे चैटिंग कर रहे हैं गर्लफ्रेंड बनकर, बॉयफ्रेंड बनकर, कुछ भी बनकर, और वहाँ पर बोल रहे हैं कि आप अपने चैट को लाइव दिखाइए ताकि आप और किसी से तो बात नहीं करते हो। और वहाँ पर टेलीग्राम के एक अंदर ये भी है, एक चैट वहाँ पर देता है ट्रांसफ़र करने का,
चैट एक्सेस करना है। जैसे आप उस पर टैप करोगे तो वो चैट उसके डिवाइस में वहाँ पे लाइव हो जाता है, मतलब लाइव टेलीकास्ट वहाँ पे शो हो जाता है, वो आपका चैट वो भी एक्सेस कर सकता है। तो जैसे ही कोई पर्सन उस चैट को एक्सेस देता है टेलीग्राम की मदद से, तो उसमें तुरंत लोग OTP सेंड करेंगे। OTP जैसे ही आपका नोटिफिकेशन बार से ऊपर से स्वाइप डाउन होगा, वहाँ पे उसके डिवाइस में भी वो नोटिफिकेशन चल जाएगा, वहाँ से OTP को देख के किसी भी अंदर फोन पे हो चाहे गूगल पे कहीं भी वो आपके अकाउंट को लॉग इन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर आप चैटिंग कर रहे हो तो इस फ्रॉड से बचिएगा। आप अपने चैट को लाइव टेलीकास्ट कहीं मत कीजिएगा, चाहे कोई भी पर्सन क्यों ना हो, ठीक है? नहीं तो उस कंडीशन में ये फ्रॉड हो सकता है अगर आपका उस रजिस्टर नंबर उसी डिवाइस के अंदर अवेलेबल हो तब, क्योंकि बिना OTP के कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये चीज हमेशा माइंड में ध्यान दीजिएगा। और आपको डेबिट कार्ड नंबर, CV नंबर किसी भी कीमत पर कहीं भी उसको नहीं शेयर करना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और ऐसे भी बैंक, कोई भी बैंक आपसे ये पर्सनल डिटेल्स कभी नहीं पूछती, आपको हमेशा ध्यान देना होगा। अगर आपको बैंक से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट ब्रांच को विजिट कीजिए, और कहीं कस्टमर केयर में कॉल करना है तो वहाँ सिर्फ अकाउंट नंबर के सिवा और कुछ शेयर मत कीजिए। कोई बैंक परमिशन नहीं देता है अपने डिटेल्स को शेयर करने के लिए, और किसी को हक भी नहीं है आपको डिटेल्स को पूछने के लिए, ठीक है? तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स, जिस ट्रिक को फॉलो करके आप बैंकिंग हैकिंग से बच सकते हो। बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम हो रही है सभी यूजर के साथ, तो इसलिए मैं इस वीडियो को अपलोड किया हूँ। तो क्योंकि मैं इस चैनल पर ज़्यादातर बैंकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ, तो मुझे हक बनता है इस तरीके का अपने सब्सक्राइबर को अलर्ट करना, ताकि आप इन फ्यूचर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मिलता है एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।